50,000 के इनामी बदमाश को मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर किया। मुठभेड़ में मारा गया 50,000 रुपए का इनामी बदमाश फारूक, मुकुट व्यापारी के घर में लूट और व्यापारी की पत्नी की हत्या तथा व्यापारी को गंभीर घायल कर फरार था 50,000 का इनामी बदमाश फारूक। थाना हाईवे व एसओजी टीम की 50,000 के इनामी बदमाश के बीच पुलिस मुठभेड़ हुई थी। थाना हाईवे क्षेत्र में गोवर्धन रोड पे भोले बाबा सत्संग ग्राउंड जो है वहाँ पे पुलिस और एक 50,000 का इनामी अपराधी जिसका नाम फारूक है उसके बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अपराधी ने पुलिस टीम पे फायर किया। हमारी एसओजी और थाना हाईवे की टीम थी वहाँ पर, मुखबिर से प्राप्त सूचना पे चेकिंग चल रही थी। जब बदमाश ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में जो इनामी बदमाश है फारूक उसे गोली लगी। उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। 4 नवंबर को थाना हाईवे क्षेत्र के गुरु कृपा विलास कॉलोनी में एक दुसाहसिक घटना को इस अपराधी ने अंजाम दिया था एक मोहसिन नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर। उस घटना में कल्पना अग्रवाल नाम की महिला की हत्या हुई थी तथा उनके पति कृष्ण कुमार अग्रवाल काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे जो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में उनका इलाज दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है और साथ ही साथ वहां से कैश और ज्वेलरी की लूट हुई थी। घटना के बाद तत्काल सीनियर ऑफिसर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसमें 8 टीमें बनी थी और इसका अनावरण हुआ और फारूक जो मुख्य अभियुक्त था जिसने स्वयं द्वारा हत्या कारित की थी और लूट की घटना को अंजाम दिया था वो फरार चल रहा था। आज इस मुठभेड़ के में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके पास से लूटी हुई वादी के परिवार की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, एक बैग जिसमें भारी मात्रा में कैश लगभग 21,88,000 रुपये नगद और काफ़ी मात्रा में सोने और डायमंड की ज्वेलरी बरामद हुई है, साथ ही साथ असलहा और कारतूस इससे बरामद हुआ।